नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ व्योमा परिहार और आप सभी जानते हैं कि मैं एक लाइव होस्ट हूँ, इवेंट्स होस्ट करती हूँ। सो एवरीबॉडी, आप सभी जानते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश में। अभी हम सभी अपने घरों के अंदर बंद हैं और हमारे पास है ढेर सारा वक्त। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि इस ढेर सारे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई ज्ञान की बातें नहीं होगी आज, सिर्फ एक बहुत ही सीधी साधी सरल बात होगी जिस पर मैं चाहती हूँ आप सभी का ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उस बात की इम्पोर्टेंस को हम सभी भूल गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो में मैं आपको उस बात की के बारे में फिर से बता दूँ। सो एवरीबॉडी, ऐसा है कि आजकल मैं जिनसे भी मिल रही हूँ, जिनसे भी बातचीत कर रही हूँ, सबसे पहले तो सब अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कोरोना के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। तो जो कि मैं जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स वाले ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता देते हैं। तो बेसिकली जहाँ भी जिनसे भी आप बात करो, ज़्यादा करके लोग काफ़ी नेगेटिव से हो रहे हैं, है ना। वो बताते हैं कि भाई आगे 2 साल ऐसा है, 6 महीने वैसा है। तो ये सब क्योंकि मैं एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी हूँ और मैं पॉजिटिव टॉकिंग में बिलीव रखती हूँ, इसलिए ये सब सुनना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए मैं आप सबको भी कुछ एक ऐसी बात देख कहना चाहती हूँ जिससे आप लोग थोड़ा समझें कि भाई क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबसे अब कहने जा रही हूँ, वो बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि जो कि आप घर के अंदर रह रहे हैं, घर पर रहिए और ढेर सारा आराम करिए, है ना। मज़ेदार बात आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि मैं बहुत कुछ बताऊंगी आपको, ये नहीं वो नहीं, नहीं बस यही बात है कि घर पे रहो, बहुत सारा आराम करो। अपनी फैमिली के साथ हो तो भाई अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, आप शादीशुदा है तो अपने वाइफ और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ढेर सारा। और इनकेस आप अकेले हैं, कहीं अटक गए हैं, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। खुद से बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक लाइव होस्ट हूँ और मैं इवेंट्स होस्ट करती रहती हूँ, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि मैं बहुत जगह ट्रैवल करती हूँ, पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल करती हूँ। तो मैं कई बार सोचती थी यार काश मुझे ढेर सारा वक्त मिले और मैं अपने मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और देखिए मेरी बात बिल्कुल सच हो गई, मुझे टाइम ही टाइम मिल गया। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि ये जो ढेर सारा हमें वक्त मिला है, ये एक वरदान है, ये एक वरदान से कम नहीं है। तो आप लोग इस बात की इम्पोर्टेंस को समझिए कि ये जो ढेर सारा वक्त है ये हमारे लिए एक वरदान है, तो हमें इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए। सो एवरीबॉडी, इस वक्त में क्या करेंगे वो तो आपके ऊपर है, मैंने बहुत क्लियर कर दिया, आराम करना है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रखने के लिए ना आपको अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट तो आप जानते ही होंगे, कई बार जैसे कि मोबाइल के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ, मोबाइल हमारा ख़राब हो जाता है, हम बहुत सारी मोबाइल की एप्लीकेशंस एकदम चेक करते रहते हैं, कई बार मोबाइल हैंग हो जाता है, कई बार उस पर कुछ समस्या हो जाती है, पर तब तक हम मोबाइल रिपेयर के लिए नहीं देते जब तक मोबाइल पूरी तरीके से बंद ना पड़ जाए। तो भाई मोबाइल बंद पड़ जाता है, मोबाइल ठीक करवाने देते हैं और मोबाइल वाला ठीक करके वापस दे देता है और फिर दौड़ने लगता है मोबाइल। अब वो क्या होता है कि हमारे मोबाइल को फिर से रीसेट किया जाता है, उसके अंदर जो भी फैक्ट्री सेटिंग्स है, बिल्कुल कचरा वचरा है, वो निकाल कर उसे फिर से नया एकदम फास्ट कर दिया जाता है, ताकि हम उसे ईजिली ऑपरेट कर सकें और एकदम तेज़ी से काम करने लगे हमारा मोबाइल फ़ोन। वैसे ही हमारा भी, हमें भी अपने आप को रीसेट करना पड़ेगा और रीसेट करने के लिए हमें कुछ दिन नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल सोशल मीडिया से एकदम बाय बाय बोल दीजिए कुछ दिनों के लिए, टीवी मत देखिए, नेगेटिविटी मत देखिए, लोगों के साथ मत रहिए, बिल्कुल रीसेट करिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारी नींद लीजिए, अपने मम्मी डैडी के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ अच्छा अच्छा फिल्में देखिए, कुछ अच्छे अच्छे टीवी शोज देखिए। आजकल रामायण आ रहा है जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जय श्री राम। तो बस ऐसे करके ना अपने आप को थोड़ा रीसेट कर दीजिए और रीसेट करने के बाद जब आपको लगे कि थोड़ा आराम के मोड में हो, तो फिर थोड़ा करियर वरियर के बारे में भी आप सोच सकते हैं। बट ये वक्त फिर कभी नहीं आने वाला है, इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ढेर सारा आराम कीजिए और ख़ुद को रीसेट कीजिए और फिर सोचिए भाई कहाँ तक आ गए हैं और अब कहाँ तक जाना है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ही, आप में से काफ़ी लोग काफ़ी वर्कोहोलिक है, मैं भी वर्कोहोलिक हूँ, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि ये वक्त लौट कर नहीं आएगा और बस कुछ ही दिनों की बात है। सब कुछ ठीक रहा तो 3 मई के बाद हम सभी फिर से अपने मैदान में उतरने वाले, फिर से वही टेक अवे कॉफ़ी, फिर से वही टेक अवे रोल्स, सबवेज, उसी की बारी आने वाली है। तो बस ये जब वक्त मिला है तो चिल कर लो, थोड़ा आराम कर लो,
क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर से कल आप ही लोग पाए जाओगे हैशटैग सोशल मीडिया पे, नहीं क्वारंटीन डेज, मिसिंग क्वारंटीन डेज। तो ये सब हमें नहीं करना है और अभी रिलैक्स करना है। और मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ, देखिए भैया, लाइफ जो है ना वो एक रेस नहीं है, लाइफ है एक मैराथन। बहुत मौके मिलेंगे तो इकोनॉमी संभाल लेंगे, बिल्कुल अपने भविष्य को भी संभाल लेंगे। इसीलिए अभी के लिए ढेर सारा आराम कीजिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और जहाँ है वहीं के मजे लीजिए। ओके, नमस्ते, बाय।